नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, इसकी हमने पूरी लंबाई जो अस्तर पर कट किया है 10 इंच लिया है। इतना ही कपड़े पर ले लेना है 10 इंच। उसके बाद फिर इस तरह 3 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऊपर से लेंगे 3.5 इंच, फिर यहाँ पर 2 इंच दो पॉइंट पर ये 3 निशान करने हैं। 2 इंच दो पॉइंट लेते हुए हमने बराबर से 3 निशान कर लिए हैं। वहीं से देखिए, जहाँ से ये निशान बनाए वहाँ से इसको सीधा कर देना है। अब तो इस तरह से सीधा कर दिया। उसके बाद लेंगे यहाँ से 1.5 इंच हर कट पर जो ये निशान लिए हैं, हर पर 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई करनी है। तो इस तरह हमने गोलाई कर दी है। अब इसे कट करना है। अब देखिए, यहाँ से ये सीधा ही इसे कट कर देंगे पहले। अब ये जो गोलाई दी है उसे भी कट कर लेना है। तो इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इसको कपड़े पर रख के कट करेंगे। तो कपड़े पर बराबर से रखते हुए इस तरह से अब कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब कपड़े की सीधी तरफ अस्तर को इस तरह रखेंगे और नीचे वाली तरफ से सिलाई पर लगा देंगे। अब यहाँ से इसे कट कर देना है और इस तरह से कट लगा देना है। अब अंदर की तरफ अस्तर को पलटना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से ये सभी को तैयार करना है। जिस तरह हमने ये फर्स्ट वाला तैयार किया है, इसी तरह से सभी पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पलट कर अंदर की तरफ अस्तर को करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। इसी तरह से पूरे तैयार कर लेने हैं पहले। सभी पार्ट ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए, सभी पार्ट हमने इसके तैयार कर लिए हैं। अब सभी पर हमें पाइपिंग बनानी है। तो ये ले ली है हमने, कट कर ली है पाइपिंग पट्टी और एक तरफ से मुड़ते हुए इस पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए, इस तरह से हमें पाइपिंग को बना लेना है। तो इस तरह देखिए, हमने सभी पार्ट इसके तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिया है हमने 3 इंच का चौकोर कपड़ा और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है।
तो इस तरह हमें चार ले लेनी है, चार डिजाइन इस तरह हमने तैयार कर ली है। अब देखिए इसको इस तरह से इसको बराबर से रखते हुए सिलाई लगाकर इस तरह सभी पार्ट हमें जोड़ने हैं। और जब देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे जो गोलाई की है जहाँ पर, तो इसको लगा देना है इस तरह, इस डिजाइन को रख देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है उसे भी जोड़ना है और बीच में इस तरह से ये बराबर से मिलाते हुए ये वाली डिजाइन रखनी है और इस तरह सिलाई लगाते जाना है। तो ये स्लीव आप छोटी भी बना सकते हैं, अगर छोटी बनानी है तो दो लेयर ही रखें, अगर उससे थोड़ी बड़ी रखनी है तो तीन, अगर ज़्यादा बड़ी रखी है रखनी है तो चार लेयर कर दें। तो ये हमारी 8 इंच की तैयार आएगी। तो इस तरह हमने सभी पैर डिजाइन सेट कर दी है। नीचे की तरफ भी एक ये सॉरी लास्ट वाली में भी इस डिजाइन को हम लगा देंगे। तो इस तरह देखिए लगा दिया है। तो इस तरह बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल नया स्लीव डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।